ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में बताया, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह, मुरली सुनो, अहंकार में मत जाओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ, अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है, उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अकलमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना, इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कोई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं, कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं, कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं, यह महाभारत लड़ाई का समय है। तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा, रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ
गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। ये चित्र आदि भी बनाए जाते हैं समझाने के लिए। ये तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आपस में खिट-खिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं। रड़ी नहीं मारनी चाहिए, कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो, शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए, यथार्थ रीति ये बुद्धि में याद रहे तो भी याद की यात्रा
रहेगी ना, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम अच्छी रीति यात्रा कर सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा, बुद्धि में ये याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। हम भी चेक करते जाएं कि अभी हमारा बुद्धि योग मुरली में है या बीच बीच में कहीं भाग जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्यालात रहे। शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं कि फलानी बहन मुरली सुना रही है, नहीं, शिव बाबा की मुरली सुन रही हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में हैं, नहीं, बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी आठ की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, कोई बहुत ज्यादा खाता है, कहते क्या पेट में कीड़े हैं क्या, ये कहावत है। तो बाबा कहते किसी किसी बच्चे में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है, शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं किया जाता, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है,
यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने। ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम न काम कटारी की न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीते कपड़ धोए, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। आप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो भटकता नहीं है। ध्यान रखना है कि बुद्धि योग कहीं बाहर तो नहीं भटकता। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। तो ये हमें अपने आप को देखना होगा। वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन। स्मृति के स्विच को यथारत रीति से सेट करो।
अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट में कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। जीवन तो सब जी रहे, कोई चिंता में, कोई उदासी में, कभी खुशी कभी गम, लेकिन बाबा के बच्चों को सदा मौज में रहना है, तो यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।